आज हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में उत्पादित या संश्लेषित होते हैं। ये प्रायः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की चयापचय को प्रभावित करते हैं, परंतु थोड़ी मात्रा में ये इलेक्ट्रोलाइट्स और जल संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। इनके उदाहरण है कॉर्टिसोल, कॉर्टिजोन और कॉर्टिकोस्टेरोन। ये जोना फैसिलेटा कोशाओं में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की होती है वहाँ संश्लेषित होते हैं। ये इनका क्रियाविधि इस प्रकार से, ये केंद्रक में जीन स्तर पे कार्य करते हैं, तो ये सेल न्यूक्लियस में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे एमआरएनए के संश्लेषण को बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्रोटीन संश्लेषण प्रभावित होता है और बढ़ता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशाकलम के पार जाते हैं, अपने लक्ष्य अंगों के कोशाओं की कोशाकलम को पार करते हैं और साइटोसोल में उपस्थित विशिष्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्राही से जाकर जुड़ते हैं। ये जो कॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्राही है वो यकृत, कंकाली पेशी, एडिपोज ऊतक, लिम्फोइड ऊतक, त्वचा, हड्डी, फाइब्रोब्लास्ट इत्यादि में पाए जाते हैं। ग्राही दो प्रकार के हो सकते हैं, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म के। ग्राही से जुड़कर ये स्टीरॉइड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि केंद्रक में प्रवेश करता है और वहाँ पे हार्मोन संवेदी एलिमेंट से जाकर जुड़ता है, जो कि विशिष्ट न्यूक्लियर जीन्स को के सक्रियता को प्रभावित करती है और उनके ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाती है, जिससे एमआरएनए का संश्लेषण बढ़ जाता है और इस कारण से प्रोटीन संश्लेषण भी बढ़ता है। परंतु कुछ जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को ये संदर्भित करती है, जिसके कारण उन जीन्स से बनने वाली प्रोटीन्स का मान घट जाता है, जैसे कि कॉर्टिकोट्रोफिन। फिर मेटाबॉलिक रोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इंसुलिन के विपरीत प्रभाव पड़ता है, एंटी इंसुलिन इफेक्ट होता है। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज का मान घटाता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो अपचय की प्रक्रिया परिधि ऊतकों में बढ़ाते हैं, जबकि यकृत में ये उपचय की क्रियाओं को बढ़ाते हैं और उससे प्रभाव दर्शाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर निम्नलिखित प्रभाव दिखाते हैं, ये रक्त में ग्लूकोज के मान को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हाइपरग्लाइसीमिया उत्पन्न होता है। जो विधि है हाइपरग्लाइसीमिया की वो इस प्रकार से, ग्लूकोज का जो अंतर्ग्रहण और उपयोग है परिधि ऊतकों में, जैसे कि पेशियों में, एडिपोसाइट में और लिम्फोइड ऊतकों में, इसके मान को वो घटा देते हैं, तो ग्लूकोज का अंतर्ग्रहण नहीं हो पाता है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस का मान यकृत में बढ़ा देते हैं, इसके लिए ये निम्नलिखित एंजाइम के संश्लेषण को बढ़ाते हैं जो नव ग्लूकोज उत्पत्ति में कार्य करती हैं। पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, फेप कार्बोक्सीकाइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो इस कारण से नव ग्लूकोज उत्पत्ति यकृत में अधिक दर से होने लगती है। कई क्रियाधारों को ये उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि नव ग्लूकोज उत्पत्ति हो सके। इसके लिए प्रोटीन के विखंडन को बढ़ा देते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण को कम कर देते हैं, तो उससे जो अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं उनके कार्बन स्केलेटन से नव ग्लूकोज उत्पत्ति होती है। फिर डिक्रीज करते हैं, तो घटाते हैं ग्लाइकोलिसिस के मान को परिधि ऊतकों में। और यकृत में ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो एनाबॉलिक है और ग्लाइकोजन संचय को बढ़ाते हैं, क्योंकि नव ग्लूकोज उत्पत्ति होती है और उससे जो ग्लूकोज बनता है फिर उससे वो ग्लाइकोजन को मान को बढ़ाते हैं। नव ग्लूकोज उत्पत्ति के लिए इनका कार्बन स्केलेटन जो है वो अमीनो अम्ल ग्लिसरॉल से प्राप्त करते हैं। ये प्रोटीन फॉस्फेटेज एक एंजाइम को सक्रिय करते हैं, जो कि ग्लाइकोजन सिंथेस को सक्रिय करती है और ग्लाइकोजन के निर्माण में सहायता करती है, ग्लाइकोजेनेसिस करती है। फिर लिपिड चयापचय को प्रभावित करते हैं, मुक्त वसीय अम्ल का मान रक्त में बढ़ा देते हैं, प्लाज्मा में बढ़ा देते हैं और ग्लिसरॉल का भी मान बढ़ाते हैं। ग्लिसरॉल नव ग्लूकोज उत्पत्ति के लिए उपयोग में आता है यकृत में। एडिपोसाइट्स में ये लाइपोलिसिस के मान को बढ़ा देते हैं, मतलब ट्राइग्लिसराइड का जल अपघटन बढ़ाते हैं, जिससे मुक्त वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल निर्मित होते हैं। ये प्रक्रिया के लिए वो हार्मोन संवेदी लाइपेज को सक्रिय करते हैं, जो कि वसा का जल अपघटन करती है। फिर ये ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण को एडिपोज ऊतकों में घटा देते हैं, तो ग्लूकोज का अंतर्ग्रहण एडिपोज ऊतक में नहीं हो पाता है। फिर प्रोटीन चयापचय को प्रभावित करते हैं, फिर परिधि ऊतकों में, जो कि यकृत के अतिरिक्त अन्य ऊतक के कॉर्टिसोल जो है
वो अपचय की प्रक्रिया को बढ़ाता है और इस कारण से विखंडन होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन के विखंडन से अमीनो अम्ल का मान रक्त प्लाज्मा में बढ़ जाता है। फिर ये उन प्रोटीन के संश्लेषण को बढ़ाते हैं जो इन अमीनो अम्ल के अपचय में कार्य करती हैं, जैसे ट्रांसएमिनेसिस, ट्रिप्टोफैन, पिरोलेसिस इत्यादि। फिर अमीनो अम्ल के अंतर्ग्रहण को रोकते हैं जिससे नई प्रोटीन नहीं बन पाती, नया प्रोटीन मॉलिक्यूल का संश्लेषण नहीं हो पाता है। लिवर में कॉर्टिसोल जो है वो एनाबॉलिक है, तो यहाँ पे अमीनो अम्ल का यकृत अपटेक करता है, अंतर्ग्रहण करता है और उनके द्वारा राइबोसोमल प्रोटीन के संश्लेषण, राइबोसोमल प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यकृत में प्रोटीन का संश्लेषण होता है पर जो एक्स्ट्रा हेपेटिक ऊतक है वहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता है। ये mRNA के संश्लेषण को बढ़ाता है जिसके कारण यकृत में प्रोटीन संश्लेषण बढ़ता है, विशिष्ट रूप से प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल के कारण यूरिया संश्लेषण भी बढ़ता है क्योंकि जो कार्बन स्केलेटन है अमीनो एसिड का उससे नव ग्लूकोज उत्पत्ति होती है, जो अमीनो भाग है वो यूरिया संश्लेषण में जाता है। तो जो पूर्ण प्रभाव होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, इसके कारण से ऋणात्मक नाइट्रोजन बैलेंस शरीर में उत्पन्न हो जाता है। फिर परमिसिव रिएक्शन है, मतलब दूसरे हॉर्मोन में इसको सहायता करता है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कई सारी चयापचय क्रियाओं के होने के लिए आवश्यक है और ग्लूकागॉन के थर्मोजेनिक या कैलोरीजेनिक एक्शन के लिए भी आवश्यक होता है, तो इसलिए इसका ये परमिसिव एक्शन है। यह मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण में या यकृत के रोगों में कॉर्टिकॉइड्स का मान घट जाता है। फिर ये कॉर्टिसोल की संरचना है।